हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आईपीओ के बारे में जो एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो 31 तारीख से भी स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 4 तारीख। मतलब अभी हमें 2 दिन का मौका मिलेगा आराम से, 3 और 4 तारीख का। तो ट्राई करना कि नॉर्मली लास्ट डेट को भरेंगे तो भी सही रहता है, क्योंकि हाँ पता पड़ता है मतलब कि क्या करंट स्टेटस चल रहा है उसका वहाँ पे ऐसे कंडीशन में। तो ये आईपीओ के देखो एक कैटेगरी ना, जो एसएमई कैटेगरी जो नॉर्मली 1.5 लाख 1.5 लाख तक की रेंज में लगते हैं, उस रेंज का आईपीओ है यहाँ पे। और उसका आईपीओ का नाम है टीबीआई कॉर्न एसएमई आईपीओ। कौन मतलब यहाँ देखो आप सिंबल से पहचान रहे हो, यहाँ पे मक्के से रिलेटेड इसके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं वो वाला, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ रही। देखो अभी है ना एसएमई कैटेगरी की जब से आईपीओ आने लगे तो आपको अलग अलग मतलब सेक्टर के सब जगह की वेराइटी के मतलब आपको आईपीओ देखने को मिल जाता है हमें स्क्रीन में यहाँ पे। ठीक है, आईपीओ का साइज जो है अप्रोक्स 45 करोड़ का है। साइज अच्छा है, मतलब नॉर्मली यही होता है, मतलब 20 से 50 करोड़, 70 मतलब नॉर्मली होते हैं। कुछ आईपीओ 80 करोड़, 90 करोड़ तक भी चल जाते हैं, ये होता है फिर से। ठीक है, तो 31 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 4 तारीख की लास्ट डेट है, तो हमारे पास 2 दिन है आराम से। इसमें अभी यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेश इशू है यहाँ पे, मतलब पूरा जितना भी होएगा, जितना भी पैसा आएगा इसके आईपीओ के थ्रू, पूरा यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम में लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे वो चीज़ में होगी। प्राइस बैंड जो रखा गया वो है 90 रुपये से लेकर 94 रुपये। ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड हाईएस्ट प्राइस बैंड है मतलब 94 का, तो इसी पे भरना है यहाँ पे, तभी मिलने की चांसेस होंगे ऐसी कंडीशन में, अगर मिलते हैं तो उसमें। ठीक है, क्योंकि हम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और हम लोएस्ट बिड पे भरते हैं तो मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं वहाँ पे, उसमें चांसेस नहीं होते ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो हाईएस्ट जो बिड होती है उसी पे भरें तभी मिलने के चांसेस होते हैं। इसमें यहाँ पे 1200 शेयर्स का एक लोट आएगा, उसके लिए 1,12,800 रुपये यहाँ पे लगाने पड़ेंगे मिनिमम अमाउंट यहाँ पे जो लग गया इसमें इस कंडीशन में। ठीक है, आईपीओ की लिस्टिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी 7 जून को, मतलब आज 2 जून होगी तो 7 जून को यहाँ पे हो जाएगी इसकी लिस्टिंग, मतलब ऐसे में। ठीक है, तो अब नॉर्मली होता है 3 से 4 दिन, 3 दिन में तो लिस्टिंग हो जाती है, सब सारा प्रोसेस हो जाता है लास्ट डेट के हिसाब से। इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो है 76% के आसपास है अभी, और प्रमोटर उसके बाद में यहाँ पे 58% अप्रोक्स हो जाएगा यहाँ पे बाद में। तो थोड़ा सा ठीक है, पहले का भी उन्होंने माल अपना बेचा होगा, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेच रखा होगा कई बार। देखो प्रमोटर्स अपना माल इसलिए बेचते हैं, मतलब कुछ स्टेक इसलिए बेचते हैं, माल में स्टेक अपना इसलिए बेचते हैं ताकि उसमें और ज़्यादा फंड जनरेट कर सके, फंड रेजिंग के हिसाब से करते हैं, वो सब चीज़ें होती है इस समय भी चलती है। एक लोट के लिए आपको 1,12,800 चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद अगर 2 लोट में कन्वर्ट करते हैं तो 2400 शेयर अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक 2 लोट में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेन जो चीज़ है हमारे लिए वहाँ पे जीएमपी, अगर आईपीओ लगा रहे हैं तो जीएमपी देखना जरूरी है, उसमें क्या लिस्टिंग मिल सकता है वो देखेंगे यहाँ पे हम। तो जीएमपी अभी जो दिखा रहा है उसका 90% के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, अभी 3-4 दिन पहले तक इसका आईपीओ का आया था तब ये 101-102% तक दिखा रहा था, थोड़ा सा अभी इसमें डाउनफॉल आया, 90% के आसपास आ गया, पर ठीक है 90% अच्छी जीएमपी, तो इसमें खराबी नहीं है। अगर देखना ये कल वापस थोड़ा सा अगर डाउन होता है आप होता थोड़ा सा उस पर फोकस करना कल परसों में, तो जब परसों लास्ट डेट पे लगाओ तब एक बार चेक कर लेना कि स्टेबल है या नहीं है जीएमपी यहाँ पे। अगर ये डाउन होती जा रही है तो एक चीज़ समझो कि वो जीएमपी डाउन क्यों हो रही है, मतलब वहाँ पे रीजन ही होता है समझने का, सोचने का एक बार। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी अगर 50-55 से ऊपर की जीएमपी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे अगर थोड़ी चेंज आती है तो दिक्कत के, बाकी अभी करंट जो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे अच्छी जीएमपी है जो अभी 90% के आसपास दिखा रखी है यहाँ पे। 94 का आईपीओ का प्राइस है और जीएमपी 84 यहाँ पे इसमें है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी का क्या काम रहता है, सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कंपनी का। देखो नाम से पता पड़ रहा है कि ये मक्के से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे वो सब चीज़ें बनाते हैं, तो सारी हम उसमें डिटेल में जाने का ऐसे चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बिजनेस वगैरह कब से है वो सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। 2000 से कंपनी काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा 24 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को, काम तो काफ़ी हो गया, टाइम हो गया। देखो रिटेल कैटेगरी सबसे बड़ी बात है इसमें यहाँ पे कि रिटेल कैटेगरी के लिए बहुत कम रेशियो रखा गया, मतलब देखा है तो नॉर्मली 50% तकरीबन तक होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें 18% तक ही यहाँ पे रखा गया 18 से 19% का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पे। एक तो वैसे एसएमई कैटेगरी के आईपीओ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि ओवर सब्सक्राइब रहते हैं, अब उसमें भी 18% ही रखा गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो इशू अलग आता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑलरेडी 37-38 गुना तो भराई में आ चुका है, इसी चक्कर में यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अच्छा खासा जाएगा, मतलब 350-400 गुना भी भराई में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी रिटेल कैटेगरी में। और क्यू आई वी वगैरह में तो जो बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं वो भर सकते हैं वहाँ पे, तो रिटेल कैटेगरी उसमें भर भी सकती। एनआईए कैटेगरी यहाँ पे इसके लिए 21 से 22% का रखा गया है यहाँ पे जो रेखा है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार। फंडामेंटल्स में देखो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह का जो चल रहा है 2021-22-23 का डेटा दिखा रखा है यहाँ पे, तो देखो 21 से ऑलमोस्ट डबल हुआ है यहाँ पे 22 में, 22 के बाद तो सीधा 10-12 गुना हो गया, मतलब यहाँ पे देखो तो मतलब और ज़्यादा हुआ है यहाँ पे अगर कंबाइंड कर दो तो, उसके बाद काफ़ी अच्छा जंप आया है, मतलब ये एकदम से मतलब स्पाइक आया है इसमें मतलब यहाँ पे ग्रोथ में। और देखो तो एसेट्स में भी ग्रोथ आई है यहाँ पे, पहले तो फ्लैट चल रही थी उसके बाद एकदम से जंप मारा है यहाँ पे एसेट्स ने भी यहाँ पे, तो सारी चीज़ों में यहाँ पे दिखाया तो ये ग्रोथ आई है इस क्रम में यहाँ पे, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है यहाँ पे ऐसे में। और जीएमपी सही है, इसकी फंडामेंटल सही है इसमें, बस एक चीज़ थोड़ा सा है जो रिटेल कैटेगरी के लिए कि उनके लिए थोड़ा सा चांसेस कम है यहाँ पे, मतलब 18% का रखा है, तो ये अगर 45-40-50% होता तो उनके लिए थोड़ा सा चांस ज़्यादा बढ़ जाता इसी कंडीशन में यहाँ पे, तो ये है। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार डिस्कस करें उसके बाद ही यहाँ पे कुछ भी डिसीजन ले, जो मेरा ओपिनियन था मैंने आपके साथ शेयर करा है यहाँ पे आईपीओ की कंडीशन देख के यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।